कैसे कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको जैसे भी आपको इजी पड़ेगा। अब देखिए मैं इधर से मुड़ूंगा तो इधर 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 मेरे लिए इजी पड़ेगा ना, और जब आप इधर से मुड़ेंगे तो आप इधर। जी हम लोग 11 NDRF वाराणसी से आए हैं और मैं टीम कमांडर मोल कुमार हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण दिया है बच्चों को SRP इंटर कॉलेज में, तो किन किन बातों के लिए आपने उन्हें सजग करा है और क्या कहना चाहेंगे आप? जी जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा के समय पर जब तक हम लोग पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है, उससे पहले जो स्थानीय नागरिक होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो क्या कार्रवाई करे कि वहाँ की जो स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले, इसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। सर जनपद जालौन में जैसे कि आप ऐसे हैं कि उन छात्रों को आप लोग जाके और इनके बारे में जानकारी देते? जी यहाँ पर जो 5 तहसील है, 5 तहसीलों में हम लोग प्रतिदिन एक एक दिन करके हर तहसील में जा करके और स्कूल में जा करके दूर दूर के गाँव में भी जा करके लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सर इसका पूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चों में किस प्रकार से, मतलब क्या उद्देश्य है आपका ये बताना? बच्चों में आपदा प्रबंधन के लिए कुछ उत्सुकता आए और लोग आपदा प्रबंधन के बारे में जाने और उनकी प्रतिक्रिया जो है आपदा के समय में बेहतर हो, ये हमारा उद्देश्य। सर आज का जो प्रोग्राम रहा, जी यहाँ पर SRP स्कूल के जितने बालक और बालिकाएं हैं उनमें मैं देख रहा हूँ 250 से के लमसम में विद्यार्थी हैं।